तो सिंपली आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप भाई V38 Pro जो पासवर्ड है आप भाई वो भूल चुके हैं, आप उसे फॉरगेट करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिंपली सिर्फ यही बताऊंगा। तो आप भाइयों को कनेक्ट करने का तो पता ही होगा, अगर आप भाइयों को नहीं पता वीडियो का लिंक नीचे है, आप जाकर देख सकते हैं। तो V38 Pro जो है आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद सिंपली इसे ओपन करना है। तो आप जब भी अपनी डिवाइस को किसी कैमरे के साथ कनेक्ट करते हैं, अपने मोबाइल को कैमरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आपको एक पासवर्ड मांग लिया जाता है। तो आपको अगर पासवर्ड का नहीं पता तो आज की वीडियो में फॉरगेट करने का मेथड बताने वाला हूं। तो सिंपली क्या करना है, आपने अपनी V38 Pro एप्लीकेशन जो है इसे ओपन कर लेना है। करें तो इधर आपसे पासवर्ड मांग लिया जाएगा। तो ये पासवर्ड अगर आप भाई भूल चुके हैं, इसे फॉरगेट करना चाहते हैं, तो सिंपली फॉरगेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो फॉरगेट वाले पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको जो कैमरे के नीचे जो है एक रीसेट का बटन देखने को मिलेगा, जस्ट आपने उस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। रीसेट सक्सेसफुली। तो आपके पास इस तरह का पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आप अपना जो भी नया पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो आपने टाइप कर लेना है। तो पासवर्ड लगाते वक्त आप भाइयों को एक बात बता देता हूँ, आपने जो पहला वर्ड है वो कैपिटल लिखना है, कुछ इसमें स्मॉल वर्ड लिखने हैं, उसके बाद कुछ वर्ड जो है वो मैथ के लिखने हैं। तो सिंपली मैंने पहला वर्ड जो है वो कैपिटल में लिख दिया है और बाकी वर्ड जो है वो स्मॉल लिखने वाला। लिखने के बाद जस्ट ये देखें कि मेरा पासवर्ड लेकिन वीक है, लेकिन वो नीचे जो तमाम जो लाइनें हैं वो ग्रीन हो चुकी हैं। उसके बाद मैं इसे कन्फर्म कर देता हूँ। कन्फर्म करने के बाद जस्ट आपने दिस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इधर आप भाइयों ने अपना जो पासवर्ड लगाया था उसे दोबारा रीटाइप कर लेना है। तो करने के बाद नीचे आप भाइयों ने इसे सेव कर देना है। तो आपकी कैमरे से आवाज़ आएगी कि आपका जो कैमरा है वो कनेक्ट हो चुका है, और इसके साथ ही आप भाइयों का जो पासवर्ड है वो भी रीसेट हो चुका है। तो उम्मीद है आप भाइयों को पता चल गया होगा कि आप भाई जो अपना V38 Pro जो कैमरा है इसका जो पासवर्ड है उसे कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो अगर आप भाइयों को वीडियो अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना है, और अगर आप भाइयों का कोई भी क्वेश्चन हो इस कैमरे के ऊपर तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपने उधर मुझसे जरूर शेयर कर देना है। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।